સારું, તો 29th હોય છે ને, ઇટ સેઝ ઇફ એ એન્ડ જી આર એ એમ એન્ડ જી એમ રિસ્પેક્ટિવલી બિટવીન ટુ પોઝિટિવ નંબર્સ. પોઝિટિવ નંબર્સ હે હમારે પાસ, લેટ્સ સે એક એ હે દૂસરા બી હે, પ્રૂવ દેટ ધ નંબર્સ આર ધીસ. તો યહાં પે આપકા એ ક્યા માના જાયેગા, ઇટ વુડ બી કન્સિડર એઝ બિગ એ કેપિટલ એ પ્લસ રૂટ. યહાં પે દેખો ધ્યાન સે, તો એ પ્લસ જી ઓર એ માઇનસ જી હે ના, સો હાઉ યુ કેન રાઇટ એઝ એ સ્ક્વેર માઇનસ જી સ્ક્વેર. और बी क्या माना जाएगा आपका, यहाँ पे दो साइन है अगर ध्यान से देखे तो, एक प्लस का एक माइनस का, तो अदर टर्म वुड बी ए माइनस रूट का ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. तो आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू है, आपके पास स्मॉल बी की वैल्यू है. तो अरिथमेटिक मीन अगर हमें निकालना होता है, तो अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है हमारा, ए प्लस बी ओवर टू के. और जी एम किसके इक्वल होता है हमारा, रूट ए बी के. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड जी इन द अबव इक्वेशन. ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारा फाइनल आंसर आएगा. ए प्लस जी और ए माइनस जी को आई एम राइटिंग इट एज ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. ए की जगह क्या रखोगे, बिग ए की जगह ए प्लस बी ओवर टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी ओवर टू का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. सो यू राइट रूट ए बी का स्क्वायर. अब यहाँ पे आपके पास स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, तो ए बी बच गया यहाँ पे. नाउ द वैल्यू वी हैव इज ए प्लस बी ओवर टू प्लस माइनस, ठीक है, रूट. अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओवर फोर माइनस ए बी. नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा कि यू कैन टेक द एलसीएम है. तो एलसीएम लेने पे आपका क्या बनेगा, ए प्लस बी ओवर टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी ओवर फोर. तो आपके पास फॉर्म क्या बचेगी यहाँ पे, विद इन रूट ये बचा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी. क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, विच इज नथिंग बट ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना. तो हम यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं. फोर है नीचे तो उसको हम टू की स्क्वायर लिख देते हैं. अब देखो स्क्वायर से हमें पता है कि रूट तो कैंसिल ही हो जाना है, तो बचा क्या मेरे पास, ए प्लस बी ओवर टू प्लस माइनस ए माइनस बी ओवर टू. तो हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पे बनती है, एक आएगी ए की फॉर्म में, दूसरी आएगी बी की फॉर्म में, क्योंकि एक बार आप पॉजिटिव लोगे एक बार आप नेगेटिव वाला लोगे. सो हियर वी हैव इज ए प्लस बी ओवर टू प्लस ए माइनस बी ओवर टू. तो अब आप ध्यान से देखो, तो टू टू वुड बी द डिनोमिनेटर, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इसे बी कट किया तो आपके पास क्या आ गया, टू ए ओवर टू. तो वैल्यू इज ए. अब आपने दूसरे में क्या करना है, ए प्लस बी ओवर टू माइनस ए माइनस बी ओवर टू. नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम वुड बी टू, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल. आपके पास क्या बचा, टू बी ओवर टू विच इज बी. तो एक नंबर ए आ गया, दूसरा नंबर बी आ गया, और वही हमने उसको लेट किया हुआ था. सो दैट दैट वुड बी योर आंसर.